मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है, और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर यह समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बेहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वह ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं, वो तबाही देखते चले हैं, और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है, वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी, ऐसी हर साजिश
ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा, यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को, उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन सब दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहुत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति देकर के, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत देकर के हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे